57 डेज। क्या कराने आए हैं? आधार कार्ड करेक्शन। टोकन मिल गया आपको? कै बजे टोकन मिला? 7 बजे टोकन मिला है। 6 बजे आ रहा है। टाइमिंग क्या दी है बनने की? टोकन जो मिला है उसकी टाइमिंग क्या दी है? कै बजे तक है? नंबर चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए आप? मेहंदिया से। टोकन मिल गया आपको? कै बजे आए हैं? 5 बजे सुबह आए हैं। और कै बजे टोकन मिला आपको? 7 बजे टोकन मिला है आधार बनने के लिए। ठीक है। क्या नाम है माता जी? सत्यवती नाम है। क्या दिक्कत है आपकी? गलत है। आज क्या आप आज का टाइम दिया था आपको? टाइम दिया था। फॉर्म मिल गया आपको? टोकन मिल गया? टोकन नहीं दिया है। कै बजे आई हो आप? 10 बजे। आप 9 बजे आ गई थी। टोकन नहीं मिला है आपको? ठीक। आपने किसी अधिकारी से बात करी अंदर? अधिकारी से मिलिए जाके। टोकन के हिसाब से चल रहे हैं सर? हाँ, टोकन के हिसाब से। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आ जाती है या कोई फौजी आ जाता है, जैसे कोई स्टाफ में आ जाता है तो उसका बिना टोकन के बन जाता है? स्टाफ का मना कर दिया। स्टाफ का पूरे मना कर दिए हैं? एक भी स्टाफ का नहीं बन सकता है बिना टोकन के? नहीं बन सकता है, चाहे जितना बड़ा कोई आ जाए, अधिकारी आ जाए, कोई आ जाए। यार जितना अगर किसी की अर्जेंसी होगी तो ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, किसी का कुछ, अगर जैसे जनता कोई प्रेग्नेंट है या कोई जो परेशान है, अगर उसका पास टोकन नहीं है तो उसका आधार कार्ड बन जाएगा? यार जिसके पास टोकन नहीं है वो परेशान हो रहा है। लेडी है, अगर वो यहाँ पर मुश्किल से आ पाई है तो ऑब्वियसली इतनी मानवता तो हमें भी है। जी जी। अगर कोई फौजी आता है जी, ठीक है, उसका भी कंसीडर करना पड़ता है। तो इसी जैसे हम 40 टोकन बांटते हैं, 45 तक बन पाते हैं मैक्सिमम। नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। आधार कार्ड बनवाने को लेकर सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। खुलेआम चल रहा सरकारी विभाग में लेन देन का कारोबार। बढ़ती भीड़ के कारण कर्मचारियों के दोनों हाथ कढ़ाई में। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। आधार कार्ड बनवाने को लेकर लोगों की परेशानियां अभी तक कम नहीं हुई हैं। हर रोज लोग पोस्ट ऑफिस फतेहगढ़ में सैकड़ों लोगों की लाइन लगी रहती है आधार कार्ड बनवाने से। दूर दराज से आए लोग सुबह से शाम तक इंतजार करके वापस लौट जाते हैं और कर्मचारी अपने अपने तरीके से 100, 200, 300 यहां तक कि 500 रुपए तक ऐंठने में कामयाब हो जाते हैं। जी हां, हमारे संवाददाता शानू खान ने जब फतेहगढ़ पोस्ट ऑफिस में जाकर लोगों से बात की तब लोगों ने बताया कि आधार कार्ड के नाम पर जमकर अवैध वसूली की जा रही है। रुपए ना देने पर कर्मचारी आधार कार्ड बनाने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग वापस लौट रह जाते हैं। हर सरकारी काम के आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, बस इसी का फायदा कर्मचारी उठा रहे हैं और खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे अपनी जेबें भर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे की खबर हमारे संवाददाता शानू खान के साथ। सर, कै बजे से कै बजे तक ड्यूटी रहती है आपकी? सर, जो भीड़ लग रही है ये किस तरीके से मैनेज करते हैं सर? प्रॉपर लाइन लगाता हूँ। लाइन लगाते हैं सर, इसमें कोई विवाद तो नहीं होता है? लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है? नहीं होता। पहले आओ, पहले पाओ वाला यहाँ, तो पहले आएगा उसको पहले नंबर लगेगा। तो टोकन सर आज कितने बटे हैं टोटल? आज टोकन बटे 60 बटे हैं और बाकी ये पब्लिक से 60 और टोकन बटे 80 बटे हैं। 9 बजे का आदेश दिया था कि 9 बजे आप आएंगे, सब बड़े साहब आएंगे वो फॉर्म देते हैं। हाँ हाँ, 9 बजे जितने आ गए उनको टोकन मिलेगा। 9 के बाद नहीं आए। टोकन कै बजे से स्टार्ट होते हैं सर? 7 बजे। 7 बजे से जितने 80 जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बंद कर। नहीं नहीं, हमें ये बताइए सर, ये जैसे अभी एक व्यक्ति आए थे वो जो कह रहा है मैं रात के 2 बजे से खड़ा हूँ सर पानी भीगते हुए, टोकन मुझे रात के 2 बजे दिया गया? नहीं, नहीं दिया। कोई अगर वो सिद्ध करते हम 2 बजे दिया, पोस्ट ऑफिस का एक नुमाइंदा आ जाता है यहाँ पे तब हम टोकन देते। हाँ हाँ, इससे पहले नहीं देते। 7 बजे से पहले खुलने का मतलब मतलब टोकन रात में नहीं बट रहा है, सुबह ही बटता है टोकन? 80 टोकन, 60 से 80 तक टोकन बट जाता है डेली। ठीक, आ जाओ आ जाओ। हमारे कर्मचारी ने किसी ने नहीं मांगा। आपकी कितने दिन से दिक्कत आई है? हमें अपने 5-6 दिन दो बच्चा रहे लौट रहा, उसके बाद बोला वो नंबर नहीं लिंग हो रहा था। हाँ, तो हमने कह दिया जो सिंगल नहीं लग रहा, हम रन लग रहा। अच्छा, तो हमने ठीक है उन्होंने दे दिया, हम दे लिया है। उसके बाद में 2 बजे रात के बच्चा जो है यहीं पर बैठा रहा, पानी भी आया तो फिर हटा लिया।
छोटा बच्चा कहाँ तक इंतजार, 10 दिन से दौड़ना है। बोला 10 बजे जो है आया ना, तो हम लोग जो है फिर आ गए भैया, फार्म ही खत्म हो गया। कई दिन से दौड़ना है आप? 5-6 दिन। 5-6 दिन कोई बाइसिंग मांग करी जा रही है? हाँ, एक बाप था वो 150 रुपये मांग रहा था। 150 रुपये मांगे हैं? 150 रुपये मांग रहा था। कई दिन से दौड़ रहे आप? 6 दिन हो गए। 6 दिन से अभी आधार कार्ड बच्चे नहीं बन पाया है? अभी नहीं बन पाया। जब भी आते हैं या क्या आप पर्सन मिलता है? कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ रहते वहीं पर बाहर गेट पर कहते हैं। जब आपको टोकन मिल गया था तो आपको फॉर्म लेना चाहिए था, नहीं मिला था तो आपको हमें बताना चाहिए था। सर भाई वहाँ गार्ड खड़े आपके, हमें आगे नहीं बढ़ने दे, हम कैसे बढ़ जाएंगे? बोले बस टोकन दे दो हमें और फॉर्म जो अभी खत्म हो जाएगी, टोकन नहीं घर बैठ जाऊँगे घर थोड़ी बना जाएगा, घर थोड़ी बना जाएगा, कोई घर नहीं जाएगा कोई। जी इनका क्या होगा सर? किनका? ये भाई साहब खड़े इनका पोस्ट मास्टर है, करेंगे इनको बताना चाहिए पोस्ट मास्टर को आकर के, इनको अलाउ कर देना फिर बाद में। अभी समस्या का हल हो रहा है। हाँ, कब जो है पैसे ही उसका टोकन है 7 बजे। कब? आज। आज 7 बजे मिला है? हाँ, तो फॉर्म नहीं मिला जी, तो आप लाइन उठे ही नहीं। जानकारी नहीं है, इसके बाद क्या मिलेगा तुझे भारत बोला था अपना आपका नाम? प्रताप सिंह। क्या पूछते हैं आप? जो बट रहे हैं सुबह टाइम जो हजारों भीड़े लग रही हैं 5-6 सौ की, ये क्या प्रोसीजर है इसका? कितने रोज बनते हैं? 80-90 बनते हैं। टोकन डेली बढ़ता है? जब टोकन डेली बढ़ता है तो ये 4-6 दिन से दौड़ रहे हैं, इनको टोकन मिला है तो इनको आधार कार्ड इनको क्यों नहीं बनना है, इनको क्यों माफी किया जा रहा है? इनको आके बताना चाहिए था हमको। ये 6 दिन से बच्चा दौड़ रहा है, पानी में रहता भीगा है, इनका आधार कार्ड क्यों नहीं बनना है सर? तो इनको बताना चाहिए। तो इनको वापसी क्यों किया जा रहा है? कहाँ वापस किया जा रहा है? आपको किन्ने वापसी किया? गेट पे जो गेट आया था 12 मर चुका, अब नहीं है, अब कल आना, उन्हें टोकन मिलाओ, हमें टोकन दिया नहीं इनको जी। टोकन सिक्योरिटी गार्ड को टोकन दिखाइए इनको। टोकन ये टोकन देखिए, जब टोकन 49 नंबर है फार्म होता तुम्हारा तो आपको।